कृष्ण करण तो यसाई गर्भो सी जपयो दिशाई आनंदाक्षरामम शरणम ममास्तु। नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबारे नमस्ते तु त्राहि माम कृष्ण पूर्वज भुजे सव्ये वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं च विदधते। सदा श्रीमद्वृंदावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्षणस जाशाम हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं भक्त्या विहीनां अपराधलक्ष्ये सिप्ताश्च कामादि तरंगमध्ये कृपा मयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृंदे नमस्ते चरणारविंदम् वृंदे नमस्ते चरणारविंदम्। आज परम पावनी परम मंगलमयी श्री राधा कुंड के प्रकट तिथि है। ब्रज के जितने भी भगवान के लीला के स्थान है प्रत्येक स्थान के प्रत्येक रज में कण कण में भगवान के लीलाओं की उन मधुरिमा से भरपूर रस अवस्थित है जिसको केवल और केवल पूर्ण शरणागति के माध्यम से भक्त अनुभव कर सकता है। अपने धन के मत से अपनी विद्या के मत से अगर कोई
इस वृंदावन धाम के महिमा को जानने के लिए चेष्टा करेगा, सर्वथा उसको शून्य ही हाथ लगेगा। जिस प्रकार से सनातन गोस्वामी जी ने दिल्ली के बादशाह अकबर को उस जमुना जी के शोभा का वर्णन दर्शन कराया था, जिन जमुना जी के किनारे बने हुए सीढ़ियाँ अतुल्य मणि माणिक्य जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, ऐसी ऐसी मूल्यवान धातुओं से वस्तुओं से निर्मित था, जो कि सनातन गोस्वामी ने कृपा करके उस बादशाह को एक क्षण के लिए दर्शन कराए थे। वो तो केवल एक ऐश्वर्यमय दर्शन था, लेकिन गोस्वामी गणों ने ये ब्रज के प्रत्येक कण में, प्रत्येक लता पताओं में, प्रत्येक जल की धाराओं में, ऐसे कि प्रत्येक पशु पक्षियों में भगवान के उन माधुर्यामृत लीलाओं का दर्शन किया, जो कि उन्होंने ग्रंथ के माध्यम से जो साधन। ओए बच्चे उधर जाके खेलो जाओ, केवल और केवल साधन सिद्ध भगवान के प्रियजनों के लिए उपलब्ध कराया, सबके लिए नहीं। जिस प्रकार से ऐसे कुछ, वैसे तो ब्रज के प्रत्येक वस्तु में श्री कृष्ण के स्वरूप का, गुण का, मधुरिमा का आस्वादन किया जा सकता है। कब? जब तक ब्रज के भाव में भावित होंगे तब। जिस प्रकार तमाल वृक्ष, तमाल वृक्ष के आकार, उसके गठन, उसके रंग, उसके पत्तियों के स्वरूप मानो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण का स्फूर्ति प्राप्त कराता था श्रीमती राधा रानी को, और उस स्फूर्ति में वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधा रानी कृष्ण विरह में व्यथित होकर के बार बार उस तमाल वृक्ष को आलिंगन करते थे, और अवश्य उस तमाल वृक्ष के आलिंगन से विरह रूपी ज्वाला से थोड़ा सा निर्मुक्त तो होते थे, क्योंकि उसमें कृष्ण स्वरूप, कृष्ण माधुरिमा, कृष्ण रस का आस्वादन करती थी श्रीमती राधा ठाकुरानी। उसी प्रकार एक लीला के माध्यम से राधाकुंड नामक एक परिपूर्ण मधुरिमा से परिवेष्टित एक सरोवर का निर्माण कराने के लिए श्रीमती राधा रानी मन ही मन विचार किया। लीला का सूत्रपात हुआ असुर वध को लेकर के, राक्षसों के वध को लेकर के इस कुंड के निर्माण का सूत्रपात हुआ। तो राक्षस था वत्सासुर, वत्स का आरोप धारण करके कंस के आदेश से उस राक्षस जब ब्रज के धन को, पशुधन को, ब्रज के सौंदर्यता
गोपियों को, सखाओं को, ब्रजवासियों को नष्ट करने के लिए कोशिश किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उर्वत्स रूपधारी असुर को विनाश कर दिया था और वत्सा का रूप यानी इक्षाण का रूप धारण करके आने के नाते उसका वध हुआ था। तो हमारे शास्त्र में ऐसा वर्णन है, अगर किसी के हाथों से गाय का या वत्स का वध हो जाता है तो उसको प्रायश्चित करना पड़ता है, ऐसा शास्त्रों का विधान है। तो इस विधान को केवल एक सूत्रपात के रूप में रख करके राधा रानी अब सारी सखियां विचार किया कि इसके प्रायश्चित स्वरूप हम ऐसे एक स्थान का विनिर्माण कराएंगे जिसको देख के कृष्ण परम आह्लादित होंगे, अर्थात राधा कुंड का निर्माण भी राधा रानी और सखियां केवल कृष्ण सुख तात्पर्य मजा विचार लेकर के विचार किए थे। क्योंकि जिस प्रकार से कृष्ण जब अपने सखाओं के साथ ग्वाल लेकर के ग्वाल बालों के साथ वन में चले जाते हैं गोचारण करने के निमित्त, उस समय सारी गोपियां सखियां राधा रानी उनके अदर्शन से विरह से वितृप्त होकर के विरह रूपी दुख को प्राप्त करती थी। तो राधा रानी सोची कृष्ण तो अपने सखाओं के साथ वन में जाते हैं लेकिन हम तो नहीं जा पाते क्योंकि हमें अपने ससुरी ननंद ये सब छोड़ेंगे नहीं, अगर हम किसी प्रकार के बात को ऐसे ही कह के जाए तो कितना दिन तक चलेगा, थोड़ी दिन की ही चलेगा, कपट करके अगर जाए तो अपने सासुरी से बोल करके वो भी एक ना एक दिन पकड़ में आ ही जाएंगे। तो उसी प्रकार कृष्ण भी जब वन में जाते हैं उनको भी विरह व्यथा होता होगा राधा रानी के विरह से, क्योंकि जिस प्रकार भक्त भगवान को सुख देने के लिए अहर्निश चेष्टा करता है उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त को अनुगत जन को नित्य निरंतर सुख देने के लिए चेष्टा करते हैं। और श्रीमती राधा रानी तो स्वयं कृष्ण एव ही, साक्षात कृष्ण ही है। आ रहे समझ में हिंदी ना? तो इसी आशा से एक दिन गोचारण करते करते कृष्ण अपनी सखियों के साथ खेलते हुए राधा रानी के पास गए और उनके साथ खेलने के लिए अनुमति लिया, लेकिन राधा रानी और सर सखियां उनको मना कर दिया इस कारण से कि तुमने एक सांड का वध किया, एक गोवत्स का वध किया, उसके प्रायश्चित किए बिना तुम हमारे मंडली में घुस भी नहीं सकती हो या हमें स्वर्श भी नहीं कर सकते हो, इसलिए पहले अपने प्रायश्चित करो। श्री कृष्ण पूछते अच्छा बताओ क्या प्रायश्चित है, बोलते तुम जाके जितना भी तीर्थस्थल है तीर्थस्थान है वो सारे तीर्थस्थान में स्नान करके आओ तभी तुम्हारा गोवत्स वध रूपी पाप से तुम्हारा प्रायश्चित होगा।
तब श्री कृष्ण ने विचार किए, अगर मैं यहीं पर ही सब तीर्थों को बुला लूं तो राधा रानी कहती अति उत्तम, अच्छी बात है। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने बांसुरी से उस कुंड का निर्माण कराया और उस कुंड में जितना भी तीर्थ है इस धरातल पर सारी तीर्थों को आवाहन किया। सारे तीर्थ तो नित्य और निरंतर यही अभिलाषा करते रहते हैं कि हमें भी कभी हमारे प्रभु का दर्शन मिले, उनके स्पर्शन मिले, उनके वार्तालाप श्रवण करने को मिले, सबका ही बड़े ही कामना रहता है। जैसे ही भगवान ने सारे तीर्थों को स्मरण किया, सारे के सारे तीर्थ वहाँ मूर्तिमान रूप में प्रकट हो गए और भगवान के आदेश से उस शुष्क कुंड में जल के रूप में सब तीर्थ बहने लग गए। तब राधा रानी देखा कि जिस बांसुरी भगवान की जिस बंसी नित्य और निरंतर श्रीमती राधारानी के गुणगान करते हुए अलग अलग लहर में अलग अलग सुर में राधारानी को आह्लाद प्रदान करती है, स्वयं उस बांसुरी से भगवान ने इस कुंड का निर्माण किया, खोदाई किया। तो राधारानी भी विचार किया, जिस प्रकार से इस कुंड में भगवान के बांसुरी की खुदाई के स्वर से परिपूर्ण रूप से भगवान के बांसुरी के लहरी मृत लहरी रूप प्रेम भरपूर हो गया, उसी प्रकार मैं भी स्वयं, राधा रानी कह रही है, मेरे प्रेम का कृष्ण सुख प्रदान करने का जितना भी मेरे शक्ति है मैं सब के सब इस कुंड में स्थापित कर दूंगा, जिसको देख करके जिसका स्पर्श करके कृष्ण स्वयं मेरे ही स्पर्श का आनंद भोग करेंगे, मेरे ही दर्शन का आनंद लाभ कर सकेंगे। इसलिए राधा रानी अब सब सखियां अपने कंगन से उस कुंड के बीच में और एक कुंड की खुदाई किया, जिसको कंकन कुंड कहा जाता है। और उस कंकन कुंड में कृष्ण सुख तात्पर्यमयी कृष्ण आह्लाद प्रदान कार्य जितना भी रस है श्रीमती राधा रानी वहां विराजमान करा दी। आज वही राधा कुंड के प्रकट तिथि है, इसलिए हमारे गोस्वामीगण रूप गोस्वामी जी ने इस ब्रज के सर्वोच्च स्थान का निर्णय करते हुए कहते हैं कि वैकुंठा जनितो बरा मधुपुरी तत्रापि रसोत्सवात् वृंदारण्य मुदार पानी रमणात् तत्रापि गोवर्धनः राधा कुंडम विहामपि गोकुलपते प्रेमामृता प्लावनात् कुर्जात अस्य विराजतु गिरितटे सेवाम विवकी न कहा। बल्कि जितना भी वैकुंठ है, वैकुंठ एक नहीं है, अनंत वैकुंठ है, और अनंत वैकुंठ में सब श्रेष्ठ ऐश्वर्यमय जो वैकुंठ है, जो कि भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थान मथुरा मंडल के नाम से विख्यात है, वो अनंत वैकुंठ में ऐश्वर्यमयी जहाँ मथुरा विराजमान है वो श्रेष्ठ है। तत्रापि रसोत्सवात् और उस मथुरा मंडल में भी जहाँ रसोत्सव है, जहाँ भगवान रास करते हैं, वृंदारण्यम उदार पानी की मापी, उस वृंदावन वृंदावन भगवान के रास स्थली है,
वृंदा अर्थात तुलसी, तुलसी देवी के द्वारा संरक्षित जो वन है, तुलसी देवी के द्वारा सेवित जो उपवन है वो है वृंदावन, और वही वृंदावन रासोत्सव है, भगवान श्री कृष्ण के रासस्थली है, मथुरा से श्रेष्ठ वृंदावन है, अर्थात उस रासोत्सव है। वृंदारण्य उदाहरण पर तत्रापि गोवर्धन बोलते हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण जिस गिरिराज के ऊपर, जिस गोवर्धन के ऊपर नित्य बहुत सारे लीलाएं की, और स्वयं अपने हाथ से जिसको भगवान धारण किया, वही गोवर्धन वृंदावन से भी श्रेष्ठ बताया है। और कहते हैं राधा कुंडम मिहामपि गकुलपते, बोलते हैं उस गोवर्धन में भी श्री कृष्ण के प्रेम अमृत में स्नान कराने के लिए श्री कृष्ण को श्रीमती राधा रानी के प्रेम रूप सरोवर में, प्रेम रूप अमृत में स्नान कराने के लिए जो कुंड है श्री राधा कुंड, वो सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए कुर्जियात अस्य विराज तो गिरी तटे, बल्कि गिरिराज के तट पे विराजमान रहते हुए भी ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष होगा जो उस राधा कुंड का सेवन नहीं करेगा, अर्थात उस राधा कुंड का आश्रय ग्रहण नहीं करेगा, अर्थात उस राधा कुंड के तट पे भगवान के नामामृत का आस्वादन नहीं करेगा। इसलिए उस राधा कुंड जो कि भगवान के प्रेम के परम परिपूर्ण स्थल है, उसके बारे में, उसके सौंदर्य के बारे में, उसके लीला के बारे में श्रील कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि राधा कुंडे सुमिलन विकारादि विभूषण बाम्योत्कंठ मुग्ध भाव लीला शंभोग नर्मादि रीति दोला खेला वंशी रीति मधुपान सूर्य पूजा खेला। मध्यान्ह लीला के अंतर में भगवान राधाकुंड का आश्रय करके अपने परम प्रेयसी गोपियों के साथ जो मधुराती मधुर भाव से परिपूर्ण सर्वोत्कृष्ट लीला का अनुष्ठान करते थे, उस राधाकुंड के सौंदर्य के बारे में कविराज गोस्वामी बताते हैं। क्या कि राधा कुंड के पूर्व की ओर यानी आग्नेय कोण के ओर और एक कुंड है जिसको श्याम कुंड कहते हैं, और इस दोनों के संगम स्थल पर ऊंचे ऊंचे अट्टालिकाएं हैं जो कि सेतु का शोभा बढ़ाते हैं। जिस प्रकार सेतु होता है, नीचे जल होता है, ऊपर में सेतु होता है, उसके स्वभाव को बढ़ाते रहते हैं। और कहते हैं ऐसे बहुत सारे वृक्ष बल्लियाँ उन कुंडों के चारों ओर आच्छादित रहते थे जो कि कुंड के शोभा को हजार गुना बढ़ा देते थे। और बोलते हैं उन वृक्ष इस प्रकार घने घने पल्लवों से, पत्तियों से, पुष्पों से भरे थे कि वो हमेशा नीचे की ओर झुके हुए थे। मानो उनका भाव ऐसा था जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पहुँचते हैं कि सब के सब वृक्ष लताएं अपने संपूर्ण संपत्ति के साथ, संपूर्ण धन के साथ भगवान को समर्पित होकर के उनके आगमन के लिए कृतज्ञता अर्पण करते हैं। इस प्रकार और बोलते हैं कि उन सारे वृक्षों के
मूल देश में, मूल में चारों तरफ बहुत सुंदर सुंदर वेदियाँ बना हुई थी। वेदी होता ना वृक्ष के चारों तरफ, और बोलते हैं उन वेदी के नीचे मणिमय कुटीर बना हुआ था, मणियों से बना हुआ एक एक कुटीर था। और उस कुटीर ग्रीष्म काल में शीतल रहता था और शीत ऋतु में उष्ण रहता था, गर्म रहता था ऐसा। और वो जो कुटीर का आकार था, कोई कोई कुटीर कंठ तक था, कोई ऊंचा था, कोई नीचा था, मानो उन कुटीरों के सौंदर्य को देखने से ऐसा लगता था कि ये सागर का लहर है। और जिस प्रकार सागर के लहर में जब सूर्य किरण पड़ता है तब ऐसा लगता है मानो कि रत्न का भंडार वहां पर लहर के द्वारा जा रहा है। उसी प्रकार इस रत्न से मंडित उस कुटीर को दूर से देखने से इसे मालूम पड़ता था जिस प्रकार सूर्य अपने किरणों की लहरों से उन कुटीरों को नचा रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे ऐसा कर रहा है। और कहते हैं कि तृष्णा से पीड़ित पक्षियां जल पान करने के लिए उस कुंड के चारों तरफ उतरते रहते हैं। और बोलते कुंड के चारों कोनों में चार माधवी लता की कुंज विद्यमान है, कुंड के चार कोना में चार माधवी लता का कुंज है। एक एक वृक्ष नहीं, कुंज होता है बहुत सारे वृक्षों को लेकर के एक कुंज होता है। उसी प्रकार चार कोना में, राधा कुंड के चार कोना में चार माधवी लता का कुंज है। और फूलों की बहुत सी ऐसे कुंज है जो कि श्रेणी रूप से इन चारों कुंजों को घेरे हुए है। इतना विशाल है राधा कुंड का, जो बोलते सहस्र पत्र कमलम, हजारों अचिंत्य असमोर्ध कमल के पखड़ियों को लेकर के ये राधा कुंड निर्माण है। बोलते एक एक पखड़ियों के अंदर में फिर वो एक एक पखड़ियों इतना विस्तार हो जाता है, इतना जब जरूरत पड़ता है तो विशाल हो जाता है। और एक पखड़ी में फिर अनंत सखियां अपने अपने गोष्ठी को लेकर के राधा कृष्ण की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसा बाहर दिशा से, बाहरों से देखने से चारों तरफ से उस कुंड के बाहर से चारों तरफ केले का वृक्ष लगा हुआ है। और उस केले के वृक्ष में असंख्य पका हुआ फल है, कच्चा फल है। देखने में ऐसा लगता है जिस प्रकार असंख्य हाथी अपने सूंड के द्वारा परम गर्जना करते हुए भगवान को आमंत्रण कर रहे हैं, निमंत्रण कर रहे हैं उस केले के वृक्ष से, के केले के वो पेंडियों को देख करके ऐसा लगता था। जिस प्रकार हाथी का कान विशाल विशाल होता है उसी प्रकार वो केले वृक्ष के जो पत्ते हैं हाथी के कान सदृश है, और उसका जो फल का वो पेंडा है वो हाथी के सूंड जैसा है। इस प्रकार असंख्य हस्ती भगवान के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं अपने सूंड को उठा उठा करके ऐसा। इस प्रकार उस कुंड के चारों तरफ बहुत सारे फल फूल और इसके उपवन है, बहुत सारे वन है। और बोलते हैं कुंड के जल के ऊपर एक दिव्य रत्न मणिमंडल मंदिर है, कुंड के बीचों बीच दिव्य रत्नों से निर्मित एक बहुत सुंदर मंदिर है। तो
बल्कि राधाकुंड में नंदन नंदन श्री कृष्ण के सेवा के योग्य सब प्रकार की सामग्री है। और वहाँ पर बोलते असंख्य घर बना हुआ है, असंख्य घर है राधाकुंड के चारों तरफ। और बोलते ये सब घर कुंज के रूप में है। वर्णन मिलेगा आगे किस प्रकार का कुंज है, अष्ट सखियों का अष्ट कुंज है, अष्ट सखियां किस प्रकार से अपने अपने कुंज में उसका संरक्षण करते हैं, उसका स्वभाव बढ़ाते हैं। जब राधा कृष्ण उस कुंज में लीला करने के लिए जाते हैं तो उन सखियां अपने अपने अनुगत सखियों को लेकर किस प्रकार उनके सेवा का अनुकूल व्यवस्था करते, सब वर्णन है। कबीराज गोस्वामी ने सब वर्णन किया है, ये केवल राधा कुंड में ही होता है। बोलते हैं उन पुष्प वाटिकाओं के बीच बीच में पुष्प चयन करने वाले वन देवता सौकड़ों कुंज दासियों सहित रहते हैं, कुंज देवता होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, वृंदा देवी के आदेश से उन कुंजों की रक्षा करते हैं, उसको कुंज देवता कहते हैं। वृंदा देवी ने इन सब कुंज देवताओं को वहाँ कृष्ण सेवा के लिए नियुक्त करके रखा है। और ये सब कुंज देवता उन कुंजों में विभिन्न प्रकार के वनफूल एकत्रित करके राधा कृष्ण के सेवा के लिए विभिन्न प्रकार के मालाएं बनाते हैं। ये भी वृंदा देवी के ही गाइडेंस में होता है। ऐसा लगता है मानो उस कुंज में छह प्रकार के जो ऋतु है ये नित्य निरंतर प्रवाहित होती रहती है। ऐसा और वृंदा देवी उन कुंजों के पत्ते अगर कभी मुरझा के गिर जाते हैं या किसी कारण से वहाँ थोड़ा सा कुछ हो जाती है तो वृंदा देवी उन सारे कुंजों को साफ कराती है। वृंदा देवी का कितना बड़ा सेवा है, हाँ, उन सारे कुंजों को साफ कराती है। पथ हो, आंगन हो, जितना भी राज मार्ग है, चबूतरा है, डोली है, मंडप है, सब अपनी अपनी जगह वहाँ पर बड़े ही सुंदर रूप से शोभा पा रहे हैं। बोलते राधा कुंड में वह कुंज जो कुंज की वृंदा देवी के द्वारा सेवित होती है उन कुंज में नित्य नित्य नूतन नया नया प्रकार के कमल, कभी हरा कभी सफेद कभी गुलाबी कभी पीला, ऐसे अलग अलग तरह के कमल 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 का पुष्प वहाँ रोज रोज प्रस्फुटित होते हैं। और बोलते हैं उन सारी पुष्पों में कोई डंडी नहीं होती है। अभी तो हम लोग पुष्प चयन करने जाते हैं तो डंडी को अलग करना पड़ता है माला बनाने के लिए, है ना। अगर डंडी रहेगा तो भगवान को चुगेगा, थोड़ा कष्ट होगा, इसलिए वहाँ के पुष्प भी चिन्मय है। उस चिन्मयता के कारण वहाँ के जो कुंजों के वृक्ष बलियाँ हैं अपने धन अर्थात अपने पुष्प में डंडियाँ भी नहीं बनाती है, ऐसे ही प्रस्फुटित होता है। इस प्रकार बिना डंडी वाले रंग बिरंगे बहुत सारे सुगंधी पुष्पों से बनी एक सुंदर शैया भी है वहाँ पर है। प्रत्येक कुंज में पुष्पों से बने शैया है, पलंग है, और उसके सिरहाने में कहते हैं एक चंद्राकार चंद्र के आकार का बहुत सुंदर मनोहर तकिया रखा रहता है प्रत्येक कुंज में। और बोलते हैं आसपास मधु सहित पान पत्र, तांबूल पात्र, जल पात्र इत्यादि वस्तुएं वहां सजाकर एक एक स्थान में रखा जाता है। और उपमान में लिखे खिले हुए जो श्वेत पत्र है, नील कुंदी है, श्वेत पद्म है, नील पद्म है, साधारण पुष्प
पुष्प समूह के मधु बिंदु और पराग से स्वच्छ एवं सुगंधित जल कलकल शब्द करते हुए झरनों के समान प्रणालियों में चारों ओर बहता रहता है। कहते हैं उन पुष्पों से स्पर्श होकर के जब जल प्रवाहित होके कुंज के चारों तरफ जाता है तो एक एक पुष्प का अलग अलग पराग होता है और अलग अलग पराग होने के कारण सबके अलग अलग सुगंध है। इस प्रकार अलग अलग सुगंध से सुगंधित होके जल प्रपात के द्वारा उन पुष्पों को स्पर्श करते हुए जल झरना के सदृश जल प्रवाहित होती है कुंजों के चारों तरफ, तो वहां पर भ्रमर उपस्थित हो जाती है। किस प्रकार भ्रमर? मत्त भ्रमर। जिस पुष्प में अधिक सुगंध प्राप्त होता है भ्रमरों को, उस सुगंध के पास जब भ्रमर पहुंचता है तो अजीब अधिक मत्त हो जाता है और वहां ज्यादा गुनगुनाने लगता है। और यहां का जो भ्रमर है बोलते हैं उन सुगंधित जल के चारों तरफ श्री राधा कृष्ण के गुणगान करते हुए गुनगुना रहे हैं, ऐसी शोभा विराजमान है वहां पर। और कहते हैं विभिन्न प्रकार के जो पक्षियां हैं जैसे हंस, चक्रवाक, चक्रवाकी, सारस, सारसी हैं, ये सारी पक्षियां विभिन्न प्रकार के कलरव करते हुए राधा कृष्ण के गुणगान करते हुए वहां जब कलरव करती है तब सुर सारिका जो कि भगवान के नित्य लीला में नित्य ही विराजमान रहती है, वही सुख सारिका गण अपने गणों को लेकर के अपने सब पक्षियों को लेकर सारी सुख सारिका को लेकर के परस्पर वार्तालाप करते हैं। क्या वार्तालाप? सुख कृष्ण का गुणगान करते हैं तो सारी राधा रानी का, सारी के सारी सुख सारिका जोड़ियां बस यही करने लग जाती है। कहाँ ये होता है? राधा कुंड के तट पे, इसीलिए कहते हैं राधा कुंड तट कुंज कुटीर। राधा कुंड के चारों तरफ असंख्य कुंज है और उन कुंज में असंख्य कुटीर है और यही कुटीर मणिमय है ऐसा। और उन कुटीरों में बोलते हैं कि पखुड़ियों से विहित पुष्प के द्वारा बनाया हुआ सैया है और उन सैया में के एक एक चंद्राकार तकिया भी रखा हुआ है। उस राधा कुंड के तट पर मयूर जब श्री कृष्ण को देखते हैं तो बादल का भ्रम करके, जैसे बादल देखते ही मयूर उन्मत्त हो जाती है, नृत्य करती है, गान करती है, उसी प्रकार दूर से कृष्ण को देख अपने सखाओं के साथ आते हुए देखते हुए यहाँ गोवर्धन में कृष्ण अपने सखाओं के साथ गोचारण कर रहे हैं, उड़ते हुए अगर एक मयूर देख के जाता है तो सबको बोल देता है अरे कन्हैया आया, कन्हैया आया है। बस कन्हैया का नाम सुनते ही सारी मयूर मयूरियों के अंदर में बादल का भाव आ जाता है और उस बादल के भाव में विभावित होके मधुर स्वर उच्चारण करते हुए सारी मयूर मयूरियां उस कुंज के कुटीर के छत के ऊपर सुमनोहर नृत्य करते हैं। ऐसा बोलते हैं कबूतर, हरी, चक्रवाक, जितने जाति भी पक्षी है सब श्री कृष्ण के दर्शन कर बड़े हर्ष से सबके सब फूल उठते हैं और मधुर ध्वनि से सबके सब पक्षियां कृष्ण गुण गान करते हुए कलरव करने लगते हैं। बोलते असंख्य पूर्ण चंद्र से अधिक सुंदर श्री कृष्ण के मुखार बिंद का सुधा पान करने के निमित्त मानो चकोर पूर्णचंद्र सुशोभित गगन मंडल को त्याग कर उस ओर गिर पड़े हैं। जिस प्रकार चकोर पक्षी, चातक पक्षी केवल वर्षा ऋतु के वर्षा पानी को ही ग्रहण करता है और उसका बाकी जो ऋतुएं होता है, महीना होता है, उस समय वो आकाश की तरफ दृष्टिपात करके रहता है कि कब वृष्टि होगा और मैं उस वृष्टि का जल को पान करूँगा। उसी प्रकार उन पक्षी, उस चातक पक्षीगण श्री कृष्ण के दर्शन से इस प्रकार प्रफुल्लित हो जाती है
कि मधुर कर ध्वनि करते हुए कृष्ण के मुखार बिंद रूपी सुधा का, मुखार बिंद रूपी दर्शन रूपी अमृत का पान करके परम तृप्त हो जाती है उनको, और दोबारा आकाश की तरफ आँख उठाने को देखने की जरूरत नहीं पड़ता है। बोलते हैं कुंड के किनारे और उसका जल श्री कृष्ण के विलास क्रीड़ा के लिए अपूर्व स्वाद धारण कर रहा है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बोलते हैं कुंड के चारों तरफ जल इस प्रकार शोभायमान है कि उसका वर्णन नहीं कर सकते, इतना शोभा से परिपूरित है। मतलब सोच लीजिए कितना शोभायमान है वो स्थान, वो जल। छोटी छोटी डालियों पर जब नवीन कोमपल और फल फूल लदे हुए उस जल को स्पर्श करते हैं तो मान लो वो सारी छोटे छोटे जो वृक्ष होता है कुंड के किनारे किनारे अपने लदे हुए फल और फूल के भार से, जब कभी कभी वायु के वेग से कभी नम के जल को स्पर्श करते हैं तो वो वृक्षराजी, और वृक्षराजी में परिवेष्टित जो फल और पुष्प अपने आप के अपने जीवन को परम सार्थक मानते, परम सम आनंदित मानते हैं। ऐसा बोलते हैं उस कुंड के मध्यस्थल में उत्पन्न असंख्य कमल फूलों के कारण सरोवर शुभवर्ण हो गया है। बोलते कुंड के बीच बीच में असंख्य कमल के पुष्प है, और किस प्रकार कमल के पुष्प? बोलते शुभ्र वर्ण, शुभ्र मतलब सफेद, श्वेत वर्ण। उस श्वेत वर्ण रूप कमल जब उस चंद्रमा की किरण से प्रस्फुटित होता है तो चंद्रमा के किरण से मानो ऐसा लग रहा है जैसे उस कुंड में एक एक मणि अपने अपने असंख्य मणि अपने अपने स्थान पे देदीप्यमान हो रहा है, शोभा को बढ़ा रहे हैं ऐसा। और जल जल नहीं लगता, बोलते वो जल भी शुभ्र वर्ण हो गया, मणिमय हो गया है। राधा कुंड का जल भी ऐसा लग रहा है देखने, मणिमय हो गया है। और बोलते हैं पवन के वेग से जब लहरें उठती है तो ऐसा लगता है कि कुंड क्षीरसागर का भी उपहास कर रहा है। जो क्षीरसागर स्वर्ग में है देवताओं के द्वारा जो सेवित होता है क्षीरसागर, या जिस क्षीरसागर में भगवान क्षीरोदक साई विष्णु निर्दित्य विराजमान रहते हैं, उस क्षीरसागर वो तो श्वेत श्वेत ही है। क्षीरसागर तो श्वेत ही होगा ना। बोलते उस क्षीरसागर के शोभा को भी जब लहरें चलती है राधा कुंड में पवन के वेग से, उस क्षीरसागर के शोभा को भी ये लुप्त कर देती है, पराजित कर देती है, इतना शोभा है। बोलते हैं सागर मंथन में से केवल एक ही लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी, और समुद्र एक ही स्थान पर श्री हरि की लीला हुई थी। सागर जब मंथन हुआ था तो उस सागर मंथन में तो एक ही लक्ष्मी उत्पत्ति हुई थी, और एक ही इतना बड़े समुद्र में के एक ही स्थान पर भगवान श्री हरि का लीला होती रहती है हुआ था, किंतु इस राधा कुंड के समस्त जल में समस्त थल में संपूर्ण राधा कुंड के एरिया में भगवान श्री कृष्ण की लीला निरंतर होती रहती है। उस खीर सागर में एक ही लक्ष्मी प्राप्त हुआ था, और राधा कुंड में मानो उस कमल के पुष्प चंद्रमा के किरणों से उज्ज्वलित होकर असंख्य लक्ष्मियों का स्वरूप धारण करके वहां पर नृत्य करती है लहरों के द्वारा ऐसा। और उस समुद्र मंथन तो एक ही बार हुआ था, लेकिन राधा कुंड में भगवान श्री कृष्ण की लीला नित्य और निरंतर होती रहती है। इसलिए खीर सागर श्री राधा कुंड के आगे छोटा है, तुच्छ हो जाता है ऐसा। और कहते हैं
भगवान श्री कृष्ण कितना टाइम हुआ? 6 बजे है ना। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल से उत्पन्न श्याम कुंड से मिले हुए इस राधा कुंड के जल जल को स्पर्श करते हुए जब वायु कोना कोना तक फैल जाती है तब तो 8 कुंज में 8 सखियां ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपक लता, रंग देवी, सुदेवी, तुंग विद्या, ये प्रियतम सखियों की एक अलग अलग कुंज बनी हुई है। वो कुंड के अष्ट दिशाओं में, 8 दिशाओं में जो भगवान के जो मुख्य मुख्य सखियां हैं, ललिता, विशाखा, जो अष्ट सखी है, उनके 8 कुंज बना हुआ है। और बोलते हैं जब श्याम कुंड से जल वायु के द्वारा प्रवाहित होकर के लहर के सृष्टि के सहित उन 8 कुंजों में जाती है, उन 8 कुंजों की शोभा बढ़ाने के लिए अष्ट सखियां वहां हमेशा तत्पर हो जाती है ऐसा। और कहते हैं उन कुंजों में श्री राधा और भगवान श्री कृष्ण लीला विलास इत्यादि नित्य और निरंतर करते रहते हैं। और बोलते हैं इन सारी कुंजों को, इन अष्ट सखियां, क्योंकि इसमें उन कुंजों में भगवान राधा कृष्ण के अंतरंग लीलाएं होती है, परम माधुर्यमय लीलाएं होती है, इसलिए उन कुंजों को साफ करने के लिए इन अष्ट सखियां किसी को नियुक्त नहीं करती है, खुद सेवा करती है। उस कुंजों को साफ करना, सफाई करना, ये अष्ट सखियां खुद करती है, वहां पर साफ सुथरा रखती है। बोलते हैं उन कुंजों का किस प्रकार का वर्णन है उसके बारे में कविराज गोस्वामी लिखते हैं, 8 प्रकार के जो कुंज है वो किस प्रकार है। बोलते राधा कुंड के उत्तर दिशा के घाट के किनारे अष्टदल पद्म के आकार के द्वारा विराजित एक कुंज है। कहाँ पर? उत्तर दिशा में घाट के किनारे किनारे अष्टदल पद्म के आकार, उस कुंज का आकार किस प्रकार है? जिस प्रकार पद्म का फूल होता है और वो पद्म का फूल अष्टदल बेष्टित होता है, 8 दल होता है, इसे इसे उस कुंज का आकार इस प्रकार है। और उस कुंज का नाम है, बोलते हैं ललितानंदद कुंज है। ललिता सखी को आनंद प्रदान करने के लिए या ललिता सखी को अपने सेवा प्रदान करने, सेवा के द्वारा आनंद देने के लिए श्री राधा कृष्ण उस कुंज में जाते हैं, इसलिए उस कुंज का नाम ललिता नंददा कुंज है। यहाँ श्री ललिता सखी अपने परम इष्ट, परम प्रियसी श्रीमती राधारानी के और श्री नंदन कृष्ण को आनंद प्रदान करती रहती है अपने सेवा के द्वारा, इसलिए भी यह कुंज का नाम हो गया आनंद, ना ललिता नंदादि कुंज हो गया ऐसा। बोलते हैं इस कुंज में एक बड़ा गंबुज है, गंबुज मतलब चबूतरा है, और उस चबूतरा के 1000 दल है। एक दल में, उस कुंज में 8 पखुड़ियां है और उसमें एक चबूतरा है, वो चबूतरा भी बोलते हैं 1000 दलों से परिवेष्टित है, और उन 1000 दलों में एक एक मंजरियां अपने अनंत मंजरी, अनुगत मंजरी को लेके सेवा के लिए तत्पर रहती है ऐसा। और ये सारी जो दल है, कमल के दल है, जब कोई विशेष सेवा का आकार बढ़ाना है
यहाँ भगवान जब सब सखियों को लेके लीला करने के लिए मन बनाते हैं, तब वो जो दल है, पंखुड़ियाँ है, वो अनंत गुना बड़ा हो जाता है अपने आप, फिर अपने आप संकुचित हो जाता है ऐसा। और कहते हैं उस कुंच में भगवान श्री कृष्ण के सुख संबंधी जितना भी द्रव्य है, जितना भी वस्तुएं हैं, जितना भी पौधे है, जितना भी पक्षियां है, वो सब के सब केवल कृष्ण सुख तात्पर्य मय होके अपने चेष्टाएं करती रहती है। तो उस कुंड के बीच में जो अष्टदल है, अष्टदल के बीच में कर्णिका है, जैसे कमल फूल के बीच में कर्णिका होता ना, और वो कर्णिका इतना सॉफ्ट होता है, जिसको ऐसे थोड़ा सा भी ऐसे ऐसे हवा का लगा ना, उसका कर्णिका ऊपर जो फूल होता है वो झड़ जाता है, नष्ट हो जाता है। बोलते उन कुंज के बीच में, अष्टदल कमल के बीच रूप स्वरूप जो कुंज है, उसके बीच में जो कर्णिका है, उस कर्णिका के बीच में एक पट्ट मंदिर है। पट्ट मतलब होता है रेशम, रेशम से बना हुआ एक बहुत सुंदर मंदिर है। जितना भी कुंज है, सब कुंज में इस प्रकार का वहां मंदिर बना हुआ है। और बोलते हैं कि जो ललिता नंदद नाम की जो कुंज है, परिपूर्ण कमल के आकार के सदृश है, और उसकी केसर रत्नों से बनी हुई है। देखो केसर से, उसका मणियों से बनी हुई है, कर्णिका सुवर्ण से बनी हुई है, और उस कमल के जो पत्ते है वो रत्न से बने हुई है, और एक एक का आकार असंख्य है, वर्णन भी नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार अष्ट सखियों के एक एक कुंज का वर्णन, उनके रंग का वर्णन, उन कुंजों के पक्षियों के सुर का वर्णन, उन अलग अलग कुंजों के सेवा के अनुयायी जो जो अभिलाषा है उसका वर्णन, और उन उस कुंज के वृक्ष और राजियों के अलग अलग रंग का वर्णन, जिस जिस कुंज में जाते हैं भगवान, सब कुंज का रंग अलग अलग है, और वहाँ का पक्षियों का रंग अलग है, वहाँ के वृक्ष का रंग अलग है, और भगवान नंदन नंदन श्री कृष्ण और भानु नंदिनी श्रीमती राधा रानी उस कुंज में उसी रंग के वस्त्र परिधान करके जाते हैं, बिल्कुल मैचिंग। ऐसे कि इतना मैचिंग ड्रेस पहनते हैं कुंजों के साथ कि जो सेवा के अनुगता दासी है, सखियां है, वो लोग भी ढूंढने से नहीं मिलते, कहां छुप गए ऐसा। कभी कभी कोई सखी जटिला को ले आती है, आजा देगा तेरे बहू वहां है, जटिला आती है राधा कुंड में, अच्छा वो सूर्य पूजा करने के लिए गई है और वहां कुंज में क्या कर रही है, तुम चल तभी दिखाता हूँ, एक पद्मा सखी है, वो पद्मा सखी बुला के ले आती है जटिला को, जटिला बेचारी आती है, देखती यहाँ तो कोई नहीं है, क्योंकि उसी कुंज में उसी प्रकार वस्त्र आभूषण से किशोर किशोरी बैठे हुए हैं, लेकिन नहीं दिखती है। कभी कभी मुखराई से राधा रानी के नानी आ जाती है, पास में मुखराई है, मुखरा देवी आ जाती है, जसोदा मैया की माँ, चलो लाली से मिल के आ जाते हैं, लाली पास में तो है, लेकिन वो बेचारी भी देख नहीं पाती है, देखते हैं वहाँ केवल कृष्णा बैठे हुए हैं, राधानी बगल में बैठी हुई है, लेकिन वो कुंज के सदृश वस्त्राभूषण के कारण देख नहीं पाती है। राधा कुंड की असंख्य लीला है, असंख्य उसके स्वभाव की वर्णन है, और माधुर्य अमृत का लीला के रूप में वहाँ कृष्णदास कबीर का इतना सुंदर वर्णन किया है, फिर कभी समय होगा तो सुनेंगे, अभी तो आरती का टाइम हो गया। चलो हरे कृष्ण।
हैं, ये किताब का नाम नहीं बोला जाता, ठीक है। इसको बंद करो, मन चाहता है।